To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. मैं आचार्य ममता सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी। प्रिय भैया बहन, ये अध्याय हमें काम और मनोरंजन के बारे में और साधनों के बारे में बताता है, जिसमें कई प्रोफेशनल्स भी हैं तथा कई मनोरंजक खेल के बारे में भी बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर 1.2 का दूसरा पार्ट। पर इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे वर्क एंड प्ले में, उसी का पार्ट 2 है वर्क एंड प्ले, जो आपके बुक में दिया गया है। How they learned their skills, कैसे वे अपने कौशल को सीखते हैं। Any work done to earn money is called occupation. यहाँ occupation means होता है नौकरी या पेशा। कोई भी काम जब पैसे कमाने के लिए किया जाता है तो उसे ही हम नौकरी या पेशा कहते हैं। All the household things have not been मेड इन आवर हाउसेज, घर में रखी सभी वस्तुएं हमारे घर में ही नहीं बनी होती। इट इज मेड बाय द पर्संस हु आर अवेयर ऑफ द मेकिंग स्किल्स और डूइंग द जॉब परफेक्टली। ये सभी वस्तुएं उन इंसानों के द्वारा बनाई जाती है जो अपने कौशल या अपने काम में कुशल होते हैं, या वे अपने कौशल का या काम को अच्छी तरह से करते हैं। The people learn these skills either from their parents or from technical institutes. वे लोग अपनी कौशल को अपने अभिभावकों से या technical institute से सीखते हैं। If you look around yourself, if you will get several people doing different jobs or occupations. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग नौकरी या व्यवसाय यानी कि जॉब या ऑक्यूपेशन करते हैं। ऑल डे लॉन्ग यू एंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स, पूरे दिन आप अलग अलग तरह के भोजन को खाकर एंजॉय करते हैं। दिस फूड इज प्रोड्यूस्ड इन क्रॉप फील्ड बाय फार्मर्स, ये भोजन खेतों में किसानों के द्वारा उपजाया जाता है। फार्मिंग इज एन ऑक्यूपेशन, किसानी एक व्यवसाय है। फार्मिंग मीन्स होता है यहाँ किसानी यानी किसान, किसानी करना भी एक व्यवसाय है। फार्मर्स नो द सीजन्स एंड क्रॉप्स, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड सेलिंग टू ग्रोसर्स। यहाँ सोइंग मीन्स होता है बोना और हार्वेस्टिंग मीन्स होता है काटना। किसान मौसम को और अनाज को जानते हैं, वे बुवाई और कटाई, भंडारण और अनाजों को बेचना भी जानते हैं। ग्रोसरी इज एन ऑक्यूपेशन, किराना एक व्यवसाय है। द ग्रोसर नो अबाउट द डे टू डे प्राइसेस ऑफ थिंग्स दैट चेंज, एक किराना दुकानदार प्रतिदिन सभी सामानों के दामों को जानता है जबकि दाम प्रतिदिन बदलते हैं। He keeps all the cereals, pulses, ready food items according to the need of the place where the shop is situated. किराना दुकानदार अपनी दुकान में अनाज, दाल, तैयार भोज्य पदार्थ जहां वह दुकान है वहाँ की लोकेलिटी के हिसाब से अपने दुकान में रखता है। He keeps balance weight box and paper packets or bags to sell things. वह अपने दुकान में तराजू, पेपर के पैकेट्स या थैला भी रखता है, किस चीज के लिए, सामान बेचने के लिए। I met with a porter, मैं कुम्हार से मिला। भैया बहन, आप लोग अपने गांव जाते हैं तो कुम्हार को देखते होइएगा जो चाक पे बर्तन बनाता है।
तो वह बर्तन कैसे बनाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। He makes pots on potter wheel made of clay. वह मिट्टी के बर्तन सने हुए मिट्टी के चाक पर रखकर बना रहा था। He uses knives and fine wires for making pots. वह चाक पे जब बर्तन बनाता है तो वह बर्तन बनाने के लिए चाकू और तेज तार का उपयोग करता है। He also keeps metallic design for carving designs on pots. वह अपने बर्तनों पर मेटालिक और कार्विंग डिजाइन भी डालता है। He was only 10 years old when his father started teaching him the art of pottery. वह मात्र 10 साल का था जब उसके पिता ने उसे बर्तन बनाने की कला सिखाना शुरू किया था। विश्वकर्मा इज ए साइकिल मैकेनिक। विश्वकर्मा एक साइकिल मिस्त्री है। भैया बहन, यहाँ विश्वकर्मा जो है वह एक नाम है, न कि भगवान का नाम है। He learned the repairing work from his father. उसने साइकिल ठीक करने का काम अपने पिताजी से सीखा। His father had the cycle repairing job under the tree. उसके पिता पेड़ के नीचे बैठकर साइकिल बनाने का काम करते हैं। Now विश्वकर्मा has purchased a shop in the market where he does the work of repairing. अब विश्वकर्मा ने बाजार में अपने लिए एक दुकान ले ली है जहां वह रिपेयरिंग का काम करता है। यह रिपेयरिंग का काम वह किसे सीखा? अपने पिताजी से सीखा। A tailor stitches clothes. एक दर्जी कपड़े सिलता है। He uses needle, thread and sewing machine. दर्जी का कितना सामान होता है? सुई, धागा, सिलाई मशीन का उपयोग करता है। किस चीज के लिए? कपड़े सिलने के लिए। He learned this art from his mother at home. उसने इस कला को अपनी माँ से घर पर सीखा है। तुम लोग भी देखा होगा कि घर पे माँ कैसे कपड़ा सिलती है, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो धागा और सुई चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए। अगर सिलाई मशीन नहीं है तो सिर्फ सुई और धागा है तो उससे भी कपड़ा को सिला जा सकता है। एम्ब्रॉयडरी इज एन ऑक्यूपेशन। एम्ब्रॉयडरी मीन्स यहाँ होता है कढ़ाई। कढ़ाई भी क्या है? एक व्यवसाय है। एम्ब्रॉयडर्स प्रिपेयर लेडीज क्लॉथ्स, साड़ी एंड पिलो कवर। कढ़ाईकार लड़कियों की कपड़े, साड़ी और तकिया का खोल बनाता है। दे यूज नीडल एंड थ्रेड्स। वे सुई और धागे का भी उपयोग करते हैं। जैसे कपड़े सिलने के लिए किया जाता है, उसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करने के लिए भी किस चीज की जरूरत होगी? सुई और धागे की। इसीलिए यहाँ एम्ब्रॉयडरी करने के समय भी किस चीज की जरूरत पड़ा? सुई और धागे का। तो ये लोग भी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए सुई और धागे का उपयोग करते हैं। दे लर्नड इट फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट। उन्होंने इस फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से सीखा है। किसे सीखा है? फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से। इन द वे ऑफ माई स्कूल देयर इज ए मोटर ड्राइविंग स्कूल आई हैव सीन। इस मेरे स्कूल जाने के रास्ते में एक मोटर ड्राइविंग स्कूल है, मैंने देखा है। दे हैव देयर ओन व्हीकल्स वेयर पीपल लर्न ड्राइविंग स्किल। उनके पास उनकी अपनी गाड़ियां हैं जिस पर लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं। अगर आपके पास भी गाड़ी होगा तो आप गाड़ी चलाना जब बड़े होंगे तो सीखेंगे ना, इसीलिए ये भी अपना गाड़ी अपने पेरेंट्स के गाड़ी पे सीखते हैं। आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ एक्वायरिंग ऑल ड्राइविंग स्किल्स दे गेट ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। सभी तरह के गाड़ी चलाने के कौशल सीखने के बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कब होता है? 18 वर्ष की आयु के बाद मिलता है। जब हम बड़े हो जाएंगे, 18 वर्ष का उम्र हमारा जब हो जाएगा, तब हमें कौन सा लाइसेंस मिलेगा? ड्राइविंग लाइसेंस, तभी हम गाड़ी को चला सकते हैं। इंजीनियर्स बिल्ड ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। यहाँ इंजीनियर मीन्स क्या होगा? अभियंता। अभियंता पुल और कई मंजिला इमारतें भी बनाते हैं।
दे लर्नड द स्किल्स फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज, वे इस कौशल को इंजीनियरिंग कॉलेज से सीखते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, उससे वहाँ वो इसको सीखते हैं, तब जा कर के इंजीनियर बनते हैं। दोज हु आर लेबोरियस कम्पीट विथ अदर्स इन एंट्रेंस टेस्ट आफ्टर क्लास 12th एंड गेट एडमिशंस इन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो विद्यार्थी काफ़ी परिश्रमी होते हैं वे कक्षा 12वीं के बाद एंट्रेंस टेस्ट में सफल होकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। आफ्टर 4 years दे गेट द डिग्री ऑफ बी एंड देयर आफ्टर गेट जॉब्स, 4 वर्षों के बाद उन्हें बीई की डिग्री मिलती है, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, उसके बाद उन्हें जॉब मिलता है। यहाँ बीई मतलब क्या हुआ, बी डॉट ई जो लिखा है उसका मतलब हुआ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। द सेम थिंग हैपेंस फॉर द एडमिशंस इन मेडिकल कॉलेजेस, ठीक यही प्रक्रिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए भी होती है। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 5 years ए डॉक्टर इज प्रोड्यूस्ड विद द डिग्री ऑफ MBBS, 5 वर्षों की डॉक्टर की पढ़ाई के बाद उन्हें MBBS की डिग्री मिलती है। He treats the sick persons and prescribes medicines, वह बीमार व्यक्तियों का इलाज करते हैं और दवाइयाँ खाने का सुझाव भी देते हैं। कौन देता है सुझाव, डॉक्टर। कॉबलर्स शूमेकर्स ETC आर ऑल्सो ऑक्यूपेंट्स, मोची जूता बनाने वाला ये भी एक क्या है, व्यवसाय है। They also learned the skills from their parents and grandparents. वे अपने इस कौशल को अपने माता पिता और दादा दादी से भी सीखते हैं। अब इसके आगे हम पीरियड 2 में जानेंगे। धन्यवाद।